कैसे अक्षय कुमार दिल जीत लेंगे मिशन मंगल से सभी फैंस का, क्या बाटला हाउस फीकी पड़ जाएगी मिशन मंगल के आगे। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज स्टूडियोज के आशियाने में। मिशन मंगल का नया ट्रेलर फॉक्सस्टार स्टूडियोज ने रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता है कि फिल्म में जहां भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला इतना सीरियस टॉपिक उठाया गया है, उसी के साथ ऑडियंस का मनोरंजन करने के लिए हल्की फुल्की कॉमेडी भी डाली गई है। बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार जहां एक से बढ़कर एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में करने में लगे हुए हैं, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि अक्षय कुमार इस वक्त टॉप पर हैं। अक्षय कुमार आज की तारीख में एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाने जा रहे हैं जिन्होंने साबित कर दिया है कि एक एक्टर कामयाब एक्टर और सुपरस्टार तभी बन सकता है जब वो कम समय में ज्यादा काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा किरदार निभाने जानता हो। बात करें अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के बारे में, तो वो सीरियस रहकर भी इतनी लाजवाब कॉमेडी करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। फिल्म में सिर्फ अक्षय ही नहीं बल्कि सभी के सभी एक्टर्स अपनी शानदार एक्टिंग के साथ कॉमेडी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो विद्या बालन हो, तापसी पन्नू हो, शर्मन जोशी हो, नित्या मेनन हो, कीर्ति कुल्हारी हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा हो। ट्रेलर देखकर हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी में हम कोई भी काम कर रहे हों और उस काम को करने में जितने भी अप्स एंड डाउन आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम जिंदगी में तभी सफल हो सकते हैं जब हम बिना हार माने और बिना लोगों की सुने अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए आगे बढ़ते रहें। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, और तो और 15 अगस्त को जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस भी रिलीज हो रही है। लेकिन अब इस नए ट्रेलर को देखकर ये कहा जा सकता है कि कहीं बाटला हाउस मिशन मंगल के आगे फीकी ना पड़ जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने ये नया वाला ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर फॉक्सस्टार स्टूडियोज के पेज पर जल्दी जाकर देखिए। फिलहाल के लिए हम विदा लेते हैं, खुदा हाफिज़।